नेटवर्क मार्केटिंग और डिप्रेशन, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग का सदस्य बन गए, उसके लिए आईडी लिया और बाद में डिप्रेशन हुआ, तो उसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। ये मेरे पास में पेशेंट आया, इसलिए उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए और लोगों को सतर्क करने के लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ नहीं हूं, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बोला जाता है कि यदि आपको आपका खुद का चेक लिखना है कि भाई कितना कमाने का है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो। अच्छी कंपनी देखो, जो विश्वसनीयता जो कंपनी को है वो कंपनी देखो, लॉन्ग स्टैंडिंग वाली कंपनी देखो, लोग कैसे है, प्रोडक्ट क्या है, सब देखो, ऐसा बोला जाता है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते रहते हैं, कुछ दिन तक काम करते, छोड़ते जाते, फिर नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, ऐसा कहते रहते, घूमते रहते, वो नेटवर्क मार्केटर करके ही चालू रहते उनका काम, एक जगह टिकेंगे नहीं। तो स्पेशली उनके बारे में भी बोल रहा हूं। होता क्या है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी कोई ज्वाइन करता है, आईडी लेता है, तो उसको तो बहुत पैसे कमाने के लिए बताया जाता है कि मैं जो एक्चुअली जो उसको नेटवर्क मार्केटिंग में उसको लाता है, वो बताया कि मेरे सीनियर ने गाड़ी लिया, मेरे सीनियर ने मर्सिडीज लिया, मेरे सीनियर ने बंगला लिया, मेरा सीनियर का देखो इतना 10 लाख रुपए महीने का चेक है, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके लोग आकर्षित हो जाते हैं और बोलते हैं चलो आईडी लो और अपने नीचे लोग ज्वाइन करो, 1:1 प्लान है, 2:1 प्लान है, जो भी प्लान है अलग 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 अलग, और फिर लोगों को पैसे कमाने के लिए रजिस्टर उसमें किया जाता है कि लोगों को पैसे कमाने का, बहुत पैसे मिलेंगे। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं स्टेज के ऊपर, बड़े बड़े लीडर उनके आते हैं, बड़े बड़े अमाउंट के चेक बताते रहते हैं और लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो नए लड़के हैं वो उसमें आकर्षित होकर, भाई पैसा तो सबको कमाने का है, वो ऐड हो जाते हैं उसमें, ज्वाइन कर लेते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर लेता है तो सबसे पहले किसको रजिस्टर करता है उसमें, सबसे पहले रजिस्टर करेंगे अपने इर्द गिर्द के लोग जो उसके रिलेटिव हैं उनको, और उनको जबरदस्ती वो प्रोडक्ट बेचेगा, जबरदस्ती उनका नाम लगाएगा, उसको लगता है कि नहीं नहीं ये तो आपने लेना ही चाहिए, अपनी पूरी ताकत लगा देगा, अपना पूरा क्रेडिटवर्थीनेस लगा देगा वहां, और वो लगा देगा कि भाई मुझे अभी मतलब उसको अंदर का तो एजेंडा उसका है कि अपने को बहुत पैसा मिलेगा। होता क्या है कि वो 20-25 जो अपने करीब के लोग हैं, दोस्त लोग हैं, रिलेटिव हैं, उनको लगा देता है, उसको एक आध दूसरे चेक भी आ जाते हैं, वाह वाह होती है, तारीफ होती है, उसको बड़े कहीं कोई फंक्शन में उसको बुलाया जाता है, वहां उसको वो चेक हैंडओवर किया जाता है, तालियां बजती है, बहुत म्यूजिक वगैरह चालू रहता है, बहुत आकर्षित हो जाता है, फिर और काम करता है। आगे लोगों ने यदि काम नहीं किया उसका, उसको आगे नेटवर्क में आगे लोग ज्वाइन करने के लिए उसको मिले नहीं, होता क्या है धीरे 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 उत्साह कम हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा घर बैठे मिलता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में सेलिंग करना पड़ता है। सेल आप प्रोडक्ट को करो, उसमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं, सेल आप अपने आईडी को करो, मतलब लोगों को उसमें सेल करो, तो भाई आप ज्वाइन हो जाओ और आप लोगों को ऐड करते जाओ तो आपको पैसे मिलेगी, उसमें लोगों को मतलब वो सेल करना पड़ता है, प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट से पैसा कमाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो वो जब लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें अपने इर्द गिर्द के लोग ही जब ज्वाइन हो जाते हैं, उनको जबरदस्ती ज्वाइन किया जाता है। एक जो लड़का मेरे पास में आया उसको डिप्रेशन आया, डिप्रेशन इसलिए आया कि सब इर्द गिर्द के लोग ज्वाइन किए, 10-10 हजार रुपए उनसे लिए और अभी खुद भी पैसा नहीं कमा रहा और उसके नीचे लोग भी पैसा नहीं कमा रहे। बड़ी बड़ी आईडीज लोगों को लेने के लिए बोला, कुछ कुछ उनके जो रिलेटिव थे उनको 2-2 लाख रुपए डालने के लिए बोला, आप इतनी आईडीज ले लो, इतने नाम डालो, और अभी मुंह बताने का लायक नहीं रहा, क्योंकि उनको क्या बोला, नहीं आपको कुछ नहीं करने का है, मैं करूंगा, आपके नीचे लोग लगाऊंगा, आपके नीचे लोग नेटवर्क में ज्वाइन कर लेंगे, आपको बहुत पैसा आएगा, देखो मेरे को चेक आ गया, देखो हमारे बॉस को, हमारे जो सर है उनको इतना पैसा मिल गया। मेरा कहना इतना ही है कि ये डिप्रेशन फिर आ गया, लोगों को मुंह बताने लायक नहीं रहा, लोग उसको छेड़ते थे कि भाई हमारा पैसा कब मिलेगा, हमारा पैसा कब मिलेगा, उसको लगा कि जैसा भाई मैंने पैसा लिया, बोले मैंने पैसा आपका लिया नहीं, मैंने तो कंपनी को भेजा, बोले हमने तो आपको देख के पैसा दिया, हम कंपनी को थोड़ी पहचानते थे, बोले मैंने तो 1 रुपया भी लिया नहीं, मतलब ये लोगों के 2-2, 3-3 लाख उसने ज्वाइन करने के लिए लगाया, खुद ने पैसा तो एक भी रखा नहीं, उसको जो कमीशन मिला वो मिला होगा, वो भी नहीं मिला क्योंकि वो बैलेंस करना पड़ता है नेटवर्क में, कुछ 1-2 चेक आए होंगे और फिर अभी क्या, अभी मुंह बताने लायक नहीं रहा, जैसा लोग तो बोले कि हमने 13 को पैसा दिया, अभी तू हमारा पैसा वापस कर दे, अब उसके ऊपर 50-60 लाख का कर्जा, इतने लोग ज्वाइन कर लिए, अभी तो उसको लग रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं, अभी मुंह कैसा बताऊं,
क्योंकि कहीं भी गया तो ये लोग मिलते हैं, बोलते हमारे पैसे ला। ऐसे इसमें करना क्या, मेरा यही सबको कहना है कि भाई आप कभी भी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो देखो प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट का खप हो जाएगा क्या, खपत हो जाएंगी क्या, बेचे जाएंगा क्या, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट सही होना चाहिए, प्रोडक्ट बेचे जाना चाहिए, और प्रोडक्ट अच्छे रहा तो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट को बाजू में रख देते हैं, और फिर उसमें डिप्रेशन आता है और फिर सुसाइड करने की सोच रहा हो। उसको हमने बताया कि अभी तू क्या कर सकता है, देख चलो 60 लाख का लोन है, वो लोग तेरे को पैसे मांग रहे कि हमारे पैसे दे दे, बोलते हमको मालूम नहीं कंपनी कौन सी है, तो हमने तेरे को पैसे दिए, हालांकि उनको मालूम है कि उन्होंने इसके नाम पर चेक लिखा नहीं, कंपनी का नाम का चेक लिखा, उनको कंपनी के नाम की आईडी मिली हुई है, तभी भी उसको फोर्स कर रहे हैं। अभी तू क्या कर सकता है, उसको मैंने ये बोला कि अभी तू ऐसा कर, लोगों को प्रॉमिस दे कि ठीक है मैं आपका पैसा वापस करूंगा, मॉरली आप जिम्मेदार हो, आपको जो बिल लग रहा है उसके लिए कि बिकॉज तुम भी खुद सोच रहे हैं कि मॉरली मैं जिम्मेदार हूं उनके लिए। अब वो कंपनी पता नहीं आपने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, कंपनी किसको पैसे नहीं दे रही है, आपके ऊपर के जो सर है सीनियर्स बोलते कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है, हम इसको बता रहे ट्रेनिंग को आ जाए, ट्रेनिंग को आ जाए, आप ट्रेनिंग को नहीं जा रहे, अल्टीमेटली आपको तो माल बेचना है ना, मगर माल नहीं बेचना है, आप क्या करते हैं आईडीज बेच रहे, और उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी 60 लाख जो लोगों के आपने गुताए हुए उसके लिए लोगों को अभी आश्वासन दो, प्रॉमिस दो कि भाई मैं इतने दिन में आपका पैसा वापस करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं मॉरल जिम्मेदार हूं। जब आप आश्वासन देंगे अब देख नया क्या कर सकता है, नया कहां से पैसा कमा सकता है, ये लोगों को ऐसा वापस कर सकता है, ताकि तेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं भाई इसने वापस कर दिया, उनको मालूम है अंदर मन के मन में कि इसने पैसा लिया नहीं है, तभी भी तू वापस करता हूँ तो कर, उनको प्रॉमिस दे, उनको सत्य बता जो भी है, वो जो गलती किया कबूल कर लो। तो जब उनको मैंने काउंसलिंग किया उसके बाद में बातचीत किया तो काफ़ी हल्का हो गया डिप्रेशन से, बोले मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 2 साल में पैसा वापस करूँगा, मैं 2 साल में पैसा कमा लूँगा इतना, मेरे को विश्वास है, मतलब ठीक है फिर वैसा कर प्रॉमिस। और उसने फिर उनको प्रॉमिस करके नया बिजनेस चालू किया और धीरे 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 उनके पैसे वापस कर रहा है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में फायदे बहुत है, बहुत पैसा मिल सकता है, मगर आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 साल काम किया बाद में जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं 5 साल काम करो जिंदगी में, जिंदगी भर काम ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको काम करना ही पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। ये भी आपको अच्छा लगा तो सभी नेटवर्क मार्केटिंग वालों को शेयर करो, उनको समझने दो कि अपन क्या कर रहे हैं, और जो ज्वाइन करने वाले उनको भी समझ जाएगा कि हम कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, और फिर ऐसे डिप्रेशन की नौबत नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।